ले लो भाई पापा की परी। भाई क्या बोल लो बोलना। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो गाइस लोग स्टार्ट करते हैं 11 बजे। तो गाइस आज तुम्हारा भाई गया था सुबह सुबह बाल कटवाने, और बाल कटवाने भाई इतने देर लगा दी उस बंदे ने। भाई इतना लाइन नंबर लाइन थे, मैंने फोन करके पूछ लिया था भाई जल्दी है क्योंकि हो जाएगी। जैसे ही गया भाई इतना पोपट कर दिया वहां पर, केराटिन कर रहा किसी के, आधे एक घंटा वहां पर बैठा, फिर मेरे बाल कटिंग करे, फिर मैं घर पर आराम से नहा धोकर रेडी होकर भाई ब्लॉग स्टार्ट पकड़ी हमारे घर में बिरयानी। तो बिरयानी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यह है हमारी अखनी, अखनी उबल चुकी है और सारे क्या कहते हैं ना टमाटर हरी मिर्च प्याज सारी चीज़ें कट चुकी है, और ये ब्लॉग चावल आई थिंक ये पानी में फुला हुआ चावल है वही है ना। अच्छा ये क्या है अखनी, ये अखनी के पानी में डल चुका है सारे चावल डल गए। तो अखनी का नहीं है ये, फिर हैदराबादी बिरयानी ते वाली, और भाई हमारी फेवरेट बिरयानी है तो इसलिए हम तो हैदराबादी वाली बनाते हैं। हैदराबाद से कौन कौन वीडियो देख रहा है भाई कमेंट में बता देना। और भाई कटिंग देख लो कैसी लग रही है भाई, और उतार देना। हाँ भाई मेरे पहुंच चुके सारे कपड़े खत्म, नई जोड़ी, और हमें कल है भाई पार्टी, एक दावत आई है भाई वहाँ पर, क्या बताओ। चलो अभी रहने दो, अभी नहीं बताता क्योंकि क्या पता हमारा कैंसिल हो जाए, तो इसलिए पक्की नहीं बतानी भी चाहिए भाई, हमारा पक्का और कैंसिल एक साथ रहता है। हम दो दोस्त की दावत है, और मुझे भाई कपड़े भी लाने, और मेरे पास शूज भी फट गए मेरे भाई, हर चीज फट गई, इतना हर अब खर्चे कटे में आता है ना। तो भाई मोटा खर्चा बताया अम्मी कहती है, जब कुछ नहीं था तो जब कुछ नहीं नहीं चाहिए, अब चाहिए तो एक साथ चाहिए, हर चीज चाहिए। अब भाई देखो क्या करते हैं, और हमारी हो रही हुली पुली बेटा उल्ली 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 उरी उरी, हाँ हाथी हमारा, ओ ये हमारे अंदर बाहुबली, वाह गाय इतना पानी पीती है ना आजकल, पता नहीं क्या कर रही है, सिर्फ पानी 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 पी लगी रहती है ना उल्ली। हम तो ये है यूँ कह रही है भाई, यूँ कह रही है पानी पीना, वो पानी है तो पानी पीना चाहिए भाई, सही बात है, पानी पीना भी चाहिए दिन में। भाई यही बताना कितना लीटर पानी पीना चाहिए दिन में, मुझे पता नहीं, तो आप बताना, मैं भी उतना दिन में एक दो लीटर पानी पी जा करूँगा। कहाँ तक पहुँची भाई बिरयानी? तो गाय लो बन गई, अब सिर्फ अखनी उबल चुकी है। ओ भाई मसाला बिल्कुल ऐसा लग रहा है जब कोरमा नहीं होता, मुझे अखनी को देख के तो कोरमा लग रहा है भाई, इतना खतरनाक भाई, बहुत टेस्ट लग रही है। तो ये सारे अखनी है ना, इसको ऊपर लग जाएगी, फिर तेल लग जाएगी, फिर आटे के ढक्कन से बंद कर दोगे, मुझे इतना पता है। इसके ऊपर नहीं डलेगी, फिर चावल के ऊपर नजला हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ दवाई ले आता हूँ, क्योंकि भाई अगर ज्यादा हो गया तो सीन खराब हो जाएगा, तो नजला भाई बहुत तेज हो रहा है। अब मैं भाई दवाई फवाई ले आऊँ, बता दो भाई क्या हुआ बता दो। और अम्मी हमने भाई कल प्रैंक कर दिया, एमटी लाया था भाई, मैं न्यू एमटी लाया था। हाँ जी कुछ बोलना चाहोगी? कल से बहुत नाराज चल, तो तुम दिला दो फिर, मैंने प्रैंक करा तुम असली में दिला दो। फंस गए, ये फंस गया सी है। मैंने क्या कहा था तुझसे, पैसे के पेड़ पे चढ़ना, पेड़ हिला और झड़ गया। ये तरह हमारे पेड़ इतने सारे पैसे ही नुकरे गाइस, देख हमने पेड़ लगा रखे घर में, ये इतनी ग्रीन ग्रीन है तो पेड़ क्यों नुकरे, यही तो पूछना चाह रहा हूँ, पैसे क्यों नहीं उगरे भाई बताओ ना। इन पे हम पानी भी डालते हैं, सेंट भी डालते हैं, इधर भी डालते हैं, जब भी नहीं आ रहे पैसे। पैसे हमारे पास नहीं है, फिर किसके पास है पता नहीं, कहाँ पैसा, पैसा ही नहीं है यार, करें क्या, तो करें पैसा पैसा बस, हर चीज पैसा पैसा। जो दवाई ले आऊँ ना मैं, तो चलो गाइस जाफरा चलता हूँ डॉक्टर के अंकल पर, दवाई फवाई जाता हूँ यार, बुखार ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं खाई ना दवाई तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए पहले दवाई खा के आराम से, मतलब सर में दर्द हल्की हरारत हलालत हरारत हलालत मेरी जान। चलो गाइस चलते दवाई लेने, भाई निकल चुके हैं अपनी कल्लो पर, और भाई जल्दी फटाफट से चलते, और भाई कहीं भी निकलो, ये जाम भाई जाम ने बहुत परेशान कर रखा है भाई, बताना है ये क्यों जाम लगता है ना आजकल यार, क्या हो रहा है यार शहर को। भाई कहीं भी जाओ जाम ही जाम लगा रहता है। अभी दवाई लेता हूँ, फिर दवाई लेकर आता हूँ बाहर। दवाई ले लिया तो नजला और खांसी थी, तो मैंने दवाई ले ली, अब मेडिकल से और ले लेता हूँ, फिर अपने चलते हैं घर पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल था वो हरारत है ना, तो उसकी वजह से हो रहा था। तो भाई आप ये बताना कि जो मैं आजकल व्लॉग बना रहा हूँ, मैं बाहर बाहर के और थोड़ा अच्छे अच्छे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पसंद आए, आप कमेंट में बताना कि भाई आपको कैसे लग रहे हैं मेरे आजकल के व्लॉग, प्लीज़ भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई आपके लिए व्लॉग बनाने के, प्लीज़ भाई 80,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो, और उसके बाद भाई 1,00,000 करवाना, और 100 के भाई कुछ उधम पार्टी करने वाले हैं, तो चलते हैं भाई फटाफट से घर पर। मैं दवाई ले आया माँ, अरे हमारी नेस्ती सो रही है, सुबह शाम गोली खिलानी है, एक सोते वक्त दवाई खिलानी है, मुझे सारी समझ गया।
मैंने बिछाया दस्तरखाना और भाई देखो चटनी किसमें लाई है, गिलास में देख वाली वाह देखो तो गाइस इतनी सी लाई है चटनी पियाऊंगा करके गरम मसाले से चाट मसाले से सर भाई आ चुके हमारी बिरयानी तो ये वाली देख क्या कहता है क्या कहता था हैदराबाद वाली बिरयानी दम बिरयानी है तो चलो गाइस फटाफट से खाते हो कितनी टेस्ट लग रही है आप इसका सिनेमेटिक एंजॉय करो आप सोच रहे हो इतने सारे हेलमेट का क्या ले रहा भाई मैंने दुकान खोली हेलमेट की तो मैं दुकान पे हेलमेट बेचने आ रहा हूँ भाई एक मजाक था और भाई सालिम भाई समीर भाई समीर भाई यार एक तो नाम में इतना कंफ्यूजन रहता है तो यहाँ पर आए हमारे साफेज भाई और एक ये हैं अमान भाई तो अभी हम जा रहे हैं भाई झंडे वाला क्योंकि साफेज भाई को हमारा हेलमेट काफी बढ़िया था भाई हेलमेट ये देखो भाई एक ही है तो साफ़ भाई एक और हेलमेट बाय करने आ रहे हैं तो उन्हें भाई हेलमेट दिलाने आ रहे हैं तो बढ़िया सा लाएंगे और देखते हैं भाई काफ़ी अलग अलग डिजाइन है वो तो जो सा पसंद आएगा वाला ले लेंगे और साफ़ भाई BMW ने लाए हंग लाए आपको भाई BMW कहाँ गई खड़ी भी है भाई अच्छा खड़ी है तो भाई पार्किंग में तो कोई बात नहीं तो हम तो चलने भाई एमटी से लो भाई एक एक हेलमेट बांट लो सबको मैं हेलमेट बांट रहा हूँ भाई फ्री में कोई बात नहीं गिफ्ट में निकाल दिया मैंने चल चलते हैं भाई झंडे वाला भाई साहब फिर निकले फिर बिल मिल गया जाम जाम भाई जाम ही जाम लगा पड़ा है चलो कोई बात नहीं ओके जाम तो मिलेगा कोई बात नहीं संघर्ष कर लेंगे इसका बट हेलमेट चाहिए भाई तुम्हें तो नहीं चाहिए ना हेलमेट चाहिए साफिस भाई को दिला के लाएंगे भाई भाई यू सीधा लेना सीधा से यू टर्न ले रहे बिल्कुल करके ओके भाई ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी झंडे वाला पर इतनी हालत खराब हो चुकी है ना इतना जाम था रास्ते में तो भाई यहाँ पर हमने हेलमेट निकलवा लिया काफी ये वाला तो भाई मेरा कभी हालत सोच रहे हो आप तो यहाँ पर डबल वाइजर में निकलवाया भाई कैसा लगा आया मजा नहीं आया इसमें हाँ ये चीज से डबल वाइजर में ज्यादा तो नीचे करना ही नहीं पड़ेगा देखो भाई जोन का पसंद भाई देखो भाई पर मैंने हेलमेट तो निकाली था मेरे में कलर है एक पे है भाई हमारे वाले में कलर है ब्लू और व्हाइट में टाइप में और फंकी बढ़िया लगते हैं बताना हाँ भाई तो कह रहा हूँ फंकी में सिंपल तो वही है हमारा देखो कितना फंकी अलग ही चमकता भाई रोड पे आओगे ना ऐसा चमकेगा बिल्कुल टाइम से चमकता और भाई पब्लिक देखती है हेलमेट भी है कुछ और ये वाला ये तो सिंपल में जोन से तुम्हारी पसंद है वो तुम देख लो है ना ये तो काला सा लग रहा है और नेक्स्ट शॉप पर आ चुका है नेक्स्ट शॉप पर हमें भाई एक हेलमेट और मिला तो ये वाला हेलमेट है भाई दिखाना भाई ने एक नई चीज दिखाई है लाइट और देखो हेलमेट के पीछे लगाओ और भाई रात को घूमो बढ़िया भाई क्या प्राइस क्या की लाइट 100 रुपए की पड़ेगी लाइट हेलमेट के पीछे लगाओ और पीछे भाई कोई अलग ही दिख जाएगा भाई कोई चल रहा है भाई हमने फाइनली हेलमेट ले लिया ये वाले बाय करा बताओ ये क्यों लिया भाई हमने डबल वाइजर देखो यहाँ से ना ये देखो ये आया था तो इसलिए ये वाला लिया ये अंदर गया तो इसलिए ये वाला लिया बढ़िया लगा भाई भाई को बहुत देर बाद पसंद आया था चलो हमें अपना हेलमेट उठाते आयो भाई आयो चलो भाई सही है फाइनली ले लिया चलते हैं घर पर ही इन्हें भाई हेलमेट पहन भी लिया है करना भाई नीचे ये चश्मा फुल कलर तो भाई अभी चलते हैं घर पर और हमने फाइनली हेलमेट ले भी लिया भाई के लिए लेने आए थे भाई चलो भाई चलते हैं अब घर पर और फटाफट से और भाई काफी मजा आ रहा है और यहाँ का जो भाई व्यू आप चेक करो एक बार कितना ऑसम व्यू हो रहा भाई ग्रीन ग्री है पूरे मोर रोड क्लियर है चलो भाई चलते हैं घर फाइनली आ चुके हैं घर पर और भाई यहाँ पर अभी हम कोल्डिंग फोल्डिंग पी रहे हैं तो गला सूख रहा था गर्मी इतनी थी हो गया था हालत डाउन बताओ तो भाई अब जा रहे हैं हम जो हम कल स्कॉर्पियो में गए थे तो आई थिंक आज भी निकलेगी नहीं बिल्कुल भाई निकलेगी पक्की है डन या कैंसिल कच्ची पक्की है कच्ची पक्की है चलो बता देंगे वो तो अगर निकली तो कैसे घूमे आएंगे थोड़ा बहुत भी साफिस भाई को भी घुमा देंगे आज साफिस भाई हमारे साथ ही है आज हमारे साथ ही तो आज नहीं घुमा देंगे आ चुके हैं पार्किंग पर और यहाँ पर हमने अपनी फिर से स्कॉर्पियो निकाल ली और भाई सफा हो रही है आज साफिस भाई तुम्हें भी घुमाएंगे और साफिस भाई हमारे चैनल के लिए कुछ बोलते दो नहीं हमारे चैनल के बोलते दो भाई यार भाई के चैनल के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा 100K करवाओ यार भाई के पास भी सिल्वर प्ले बटन सिल्वर प्ले और आतंक करेंगे फिर 100K पर भाई साफिस भाई भी हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ भाई तुम्हें भाई पार्टी ना रहेंगे पार्टी यार पार्टी जरूर दूंगा गलत नहीं पार्टी बिल्कुल पक्की भाई 100K कराओ ना हम अपनी गारंटी दे रहे हैं साफिस भाई कह रहे भाई पार्टी जरूर मिलेगी तो यही तो चलते हैं फटाफट से और भाई काफी मजा करने भाई कार में ओके चलो भाई चल भाई अभी हम जा रहे हैं कृष्णा नगर तो वहाँ पर भाई साफिस भाई को हम साफिस भाई ने हमारा व्लॉग देखा रहा था तो हम इन्हें वहाँ पर वो खिलाने ले रहे हैं पाव भाजी स्पेशल है भाई भाई चले डन है फिर जी भाई डन है हाँ भाई सिकंदर भाई बिल्कुल डन है भाई भाई आज नहीं मार रहे तुम कट है ड्राइवर वाले आज डर लग रहा है ऐसे क्यों आज को डर लग रहा भाई किस खुशी कम दिख रहा शाबाश माँ माँ मुझे नहीं सब तो मुझे आती है माने मुझे सिखाया था दिख रहा माँ मुझे चलो कोई बात नहीं तो गाड़ी चलते हैं कृष्णनगर और पार्किंग में हमें पहले लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई वहाँ पर जाम हो रहा होगा ना कृष्णनगर में तो वहाँ से निकलेगी नहीं देखो जाम जी का नाम ले लिया जाम फिर से मिल गया
तो हमने गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी क्योंकि भाई ये पार्किंग है तो हमने यहीं खड़ी कर दी। तो अब चलते हो मार्केट, देखो भाई कितनी सज रही है, यहाँ से दिख रहा है बहुत सज रही है। अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाने क्योंकि दिवाली आने वाले ना तो इसलिए पूरी सजावट हो रही है। कृष्णानगर राजकुमार भाई देखो आप डेकोरेशन कितनी खतरनाक हो रही है भाई, एक एक घर पर लाइट लग रही है और इतनी प्यारी यहाँ पर पूरे भाई झालर लगा रखे। तो हम जा रहे हैं भाई पाव भाजी खाने और ये भाई खाएंगे लड्डू, स्पेशल लड्डू खिलाएंगे ना, मूली वाले लड्डू बनाएंगे इन्हें खिलाएंगे। तो वहाँ पर भाई हमें वहाँ चलना है। तो भाई यहाँ पर ये मेरे लिए भाई गिफ्ट में कपड़े दे रहे हैं तो मैं कपड़े दिखा रहे हैं लग रहे हैं भाई कैसा लग रहा है कुछ बताओ ना भाई। हाँ भाई दूसरे निकाल ले समझ में नहीं आए गिफ्ट दिलवा रहे हैं तो मैंने कहा चलो दिलवा दे लग रहा है ले लो भाई पापा की परी एक ड्रेस मैं निकाल दो भाई तुम्हारे लिए मेरी जान ये लग रही है आ चुके हैं पाव भाजी की शॉप पर। तो हमने भाई अपने लगवा लिया 5 प्लेट ये और एक लड्डू लगवा लिया। तो यहाँ पर भाई सब आ चुका है, सबको ट्राई कराते हैं भाई नया स्पेशल, भाई बढ़िया बना दिया स्पेशल डाल के, मक्खन वक्खन जो भी डालना सब डाल दियो। तो भाई हमारे हाथ में देखो भाई जगह नहीं हो रही, देखो हमारे एक हाथ में इतनी जगह नहीं हो रही भाई, दो लगे ये पहले पेल ले दो का रख के है ना भाई क्यों कह रहे हैं समझ रहे हो आप समझ रहे हो भाई आज पैक कराऊंगा और आज ही गले हुआ। तो हमारी आ चुके हैं भाई सारी पाव भाजी हो रही है, एक लड्डू के हो रहे हैं उसे रख रखी और हमने गुब्बारा ले लिया था तो यहाँ लग लिया, जगह ही नहीं बची भाई हाथ में। भाई कैसे लग रही है एंड लग रही है भाई सबको एंड है प्योर पैसा वसूल। तो चलो भाई अभी खाते हैं पाव भाजी। भाई अभी आए हम बंटाई पीने, तो अभी हमने यहाँ पर बंटाई लगवा ली है, खतरनाक से बंटाई हो जाएगी। और भाई अभी वहाँ पर एक कंच की बोतल टूटी है भाई, जो वो होता ना लाइटिंग वाला तो वो पूरी फूट गई। बंटाई ले लिया और देखो भाई ये स्पेशल ये बच्चे हैं ना थोड़े से छोटे बच्चे हैं तो इसलिए पाइप से पीते हैं, हम बड़े बच्चे हैं सारे यहाँ पर देखो भाई सब आज से पी रहे हैं से पीते हैं अभी फटाफट से तो कोल्ड ड्रिंक पी के। और भाई अभी आ रहे हैं हम कपड़े देखने क्योंकि भाई मुझे कपड़े खरीदने थे, भाई कपड़े खरीदने थे देखो अब हम घूमने चले गए अब कपड़े नहीं खरीदे। तो अभी यहाँ पर प्रेम सेंटर की साइड आए भाई यहाँ पर कपड़े वपड़े देखते हैं। और भाई मुझे शूज़ भी चाहिए था आपको बताया था सुबह और शूज़ भी नहीं मिल पाया, अब कल जाना पड़ेगा मुझे और कल भाई पार्टी में भी जाना, वो आपको पता लग जाएगी कल वाला व्लॉग पार्टी का होने वाला। कपड़े तो भाई काफ़ी अलग अच्छा अच्छा है मैं देख सकता है अभी, चलो मैं देखता हूँ अगर शूज़ कुछ पसंद आए तो रात को आके यहीं से ले आऊँगा। घूम लिया भाई बहुत मज़ा आ चुका भाई लगा एक नंबर आ गए यहाँ पर, मूड फ्रेश हो गया ना और यहाँ के डेकोरेशन देख कर तो और भी बड़े लग गए और कपड़े भी हमने वहाँ पर देखा भाई कपड़े और शूज़ भी एक नंबर थे। शायद मैं यहाँ से ले आऊँ या सिलम जाफराबाद साफराबाद से ले लूँगा जो भी होगा वीडियो में पता लग जाएगी आज लूँगा या कल लूँगा। तो भाई कार निकाल लिया चलो भाई चलो भाई चलते हैं और यहाँ से। और भाई ने भी ले लिया इसे इन्हें भी डाल दिया भाई आ गए क्योंकि भाई इन्हों पर है माइक तो इनके हाथ में माइक दे दिया अभी फुल तोड़ेंगे चलेंगे। क्या बोल लो बोलना एक बार भाई बहुत गंदी ले रहे सब देख रहे हैं मुड़े के बहुत गंदे ले रहे भाई बहुत गंदे ले रहे हैं। चलो भाई मिलता है आपको घर पर। सलाम वालेकुम अम्मी इज हियर व्हाट हैपनिंग मम्मी देखो आ गया मैं घूम बाम के भाई अम्मी नजला हो रहा है मेरा, दवाई खिला दो पहले मुझे दवाई खाना खा लिया तो दवाई खा खाना खा पाव भाजी पेल के पेट भर का पेट भर गया बिरयानी खा खा लूं बिरयानी खा लूं चलो दवाई रात को खा लूं सोते टाइम आराम से नींद अच्छी आ जाएगी है ना। कपड़े लिया कपड़े अबे हां मैं कपड़े भूल गया अभी कृष्णानगर गया था ना मैं भूल गया मैं कपड़े हैं कपड़े लिया जूते लिया चलो तो लाओ पैसा दो मैं कपड़े भी ले आऊं गाइस चलो चलते हैं यार अब देख लो कितना थक रहा हूं भाई इतना थक गया ना जब भी देखो भाई कपड़े लेने आऊं फिर शूज भी लेने आना शूज में जाफराबाद जाता हूं पहले वहां पर देखता हूं शूज कैसे लगते हैं नहीं तो कृष्णनगर चले जाऊंगा दोबारा से लेने। सही अम्मी लाओ पैसा दो चलते हैं फिर ले लाओ अड़ा दिए दुकाली दिखा नहीं रहा मैं ना चलो गाइस चलते हैं। हमारे साथ सुहेल भी आ चुका है ये भी एक शर्ट लाएगा तो मैं भी लाऊंगा तो चलते हैं कृष्णनगर। मैं भी जाफराबाद भी गया था जाफराबाद में एक भी भाई शूज अच्छे भी नहीं है कपड़े भी मेरे यार जो हमें चाहिए थोड़ा क्योंकि भाई शादी है ना थोड़े हमारे यहाँ समझ करो भाई बताएंगे कल बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि देख के जाओगे हमारे यहाँ पे। एक बात और जरूर बताना कि हमारे मेरे आजकल के व्लॉग कैसे लग रहा है प्लीज भाई मुझे जानना है कि मैं थोड़ा भाई इंप्रूव कर रहा हूँ अपने व्लॉग की मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाऊँ तो आप बताना कि कैसा बन रहा है। फटाफट से आप कृष्णानगर
कृष्णा नगर में ली और हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में वहाँ खड़ी कर दी। और यहाँ पर देखो भाई पैदल निकल पैदल चलने का भी इतना लग रहा है जाम। देखो भाई कार में कार फंस गई, यहाँ बट हम इधर से शॉर्टकट मार जाएंगे, हम तो कहीं से भी निकल जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ पर वाली दुकान पाए। और भाई कपड़े तो भाई लग रहे हैं। और मैंने एक भाई पीछे से भी देखा था, गर्म शर्ट थी वो चॉकलेटी कलर टाइप में थी, पर थोड़ा सही लगा तो मैंने सोचा पहले चेक कर लेता हूँ दूसरी शॉप पर। चलो यहाँ पर हमने भाई टी शर्ट तो निकलवाई, काफी निकलवाई। और भाई ये किसके नाम के भाई, तो बहुत बढ़िया XXL बने इस पर, हम था XXL तो हम सोच रहे वाला साइज है, पट्टी वो अलग है, ये अलग है, चाइनीज है, अलग पहन के देख ले। वैसे तो भाई काफी शर्ट है, देखो टी शर्ट भी है, बट यार हमें टी शर्ट नहीं चाहिए क्योंकि भाई ठंड आने वाली है। तो ये चमक रही है, देखो क्या शाइनिंग मार रही है ना, पहन के देख। चल चाली दुकान पर भी हमें एक भी शर्ट नहीं पसंद आई ना टी शर्ट आई। भाई टी शर्ट तो मैंने आपको दिखाई सारी ऐसे थी भाई, फिर उन्होंने ठंड लगती तो हमने वाली कैंसिल कर दी। और शर्ट देखी भाई ब्लैक और वाइट थी, पर यार हमने कैंसिल कर दी। तो भाई एक जो शॉप पर मैंने पहले देखी थी ना चॉकलेट ब्राउन टाइप में थी, तो वाली फाइनल कर देता हूँ मैं। तो भाई आ चुके हैं भाई के पास और भाई ने हमारी शर्ट निकाल के रख रखी है। देखो भाई ये वाली है, फाइनल कर दे भाई एक बार खोल के। चलो ना इतनी रेंदो, कल मैं शादी में जाऊंगा ना तो भाई आपको कल ही दिखाऊंगा, बस आपको इतना दिखा दिया तो कैसे लग रही है आप कमेंट बता दें। याली शर्ट है और इसके ऊपर मैं ब्लैक पैंट पहनूंगा और फुल हार्ड। और भाई शूज फूज तो भाई मुझे मिल ही नहीं रहे, शूज के शॉप था भाई, शूज क्या देख रहे। चलो शूज भी एक दुकान में बहुत देख लेंगे और इन भाई ने हमें डिस्काउंट दिया, थैंक यू भाई। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद दानिश भाई, थैंक यू भाई। तो चलते भाई अब यहाँ से, ले लिया भाई को, पैसे भी हमने दे दिया। स्वेलने वाले शूज ले लिए भाई, मुझे तो पसंद नहीं आए तो स्वेलने वाले ले लिए। आप कहना था ना कि कैसे लग रहे हैं, मैंने अपने पूछे थे गुची वाला भाई, जो मैंने एक बार फोटो बताया था भाई गुची वाला देखा, बट भाई काफी महंगा दे रहे हैं, 5,000 का शूज दे रहे हैं वाला। मैंने की भाई इतने का कॉपी भी नहीं आ रहा, इतना महंगा दे रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया फिर वाला शूज। तो ये हमने बाय कर लिया है वो वाला, ये वाला भाई। हमारे साथ एक सीन हुआ है, इसे एक जूता मिल गया, मुझे एक शर्ट मिल गई और इसे शर्ट नहीं मिली और मुझे जूता नहीं मिला। देख लो भाई कितना अंतर है भाई। भाई याद है जूतों के लिए, मैं आया था कपड़ों के लिए, और अबे मैं भी तो आया था कपड़ों के लिए, मतलब मैं तो खाली कपड़ों के लिए आया था। कपड़ों के लिए आया था, मैं दोनों के लिए आया था, और इसे देख लो जूते मिल गए, मुझे भी शर्ट मिल गए। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सुबह देख लूंगा जाफराबाद जाके, भैया है हमारे कपड़े, तो चलते हैं भाई घर पर। और काफी रात हो चुकी है भाई, बहुत नजला हो रहा है, सारे छी 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 ठंड भी लग रही है लगी से। तो घर पर आ चुके और अम्मी को हमने अपनी शर्ट दिखा दी और अम्मी को काफी अच्छी लगी। अम्मी कैसी लगी शर्ट? बहुत प्यारी, बढ़िया लगी ना, कलर भी प्यारा। तो चलो भाई अब बोल देते हैं कमेंट, कलर भी एंड है ना, मेरे भाई एक भी कलर नहीं है सा, सबसे अच्छी और गर्म भी है ना। और भाई कमेंट बोलते हैं फिर ब्लॉग एंड करते हैं। तो भाई मेरे पे एक कमेंट है भाई, बहुत कमेंट आई है इसके लिए, तो भाई आपको पहले बता दो कि क्या कमेंट है। ये है भाई ईशान अंसारी, मुबारक हो अरमान भाई आपकी न्यू बाइक MT आ गई। भाई आपने किसी ने भी कल वाला व्लॉग भाई पूरा नहीं देखा था भाई, किसी ने भी नहीं देखा भाई, क्योंकि भाई मैंने ऐड में बताया था कि भाई किसके, भाई पहले पूरा व्लॉग देखो फिर भाई कमेंट बताना कि किसके, उसका नाम लिखना भाई कमेंट में बढ़िया करके, फिर बताऊंगा मैं अपनी वीडियो में। आ रहा है गेमर, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैं फिर भी आपके व्लॉग देख रहा हूँ, लव फ्रॉम दिल्ली SR गेम। अरे भाई शुक्रिया, और भाई के लिए दुआ करना जल्दी से ठीक हो जाए। सेकंड कमेंट है फरहान, फ्री फायर प्ले, ना दिल की मोहब्बत ना दिल का शौक, हम तो देखते हैं अरमान व्लॉग, आ मेरी जान। तो भाई आपको अच्छी वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।